अब देखो यार, 25,000 के बजट के अंदर ना हमें एकदम ही बेसिक लैपटॉप मिलते हैं, यानी कि लैपटॉप को बाय करने का जो बजट है ना 25,000 रुपए उसकी स्टार्टिंग है। एंड ये बहुत ही क्रिटिकल बजट भी है, क्योंकि इस बजट के अंदर ना आपको लैपटॉप की ऑप्शंस तो ढेर सारी मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें इस बजट के अंदर, स्पेशली लैपटॉप को बाय करने से पहले। सबसे पहले चीज है डिस्प्ले। इस बजट के अंदर आपको ज्यादातर लैपटॉप के अंदर ना फुल एचडी डिस्प्ले नहीं मिलती, आपको मिलेगी एचडी डिस्प्ले, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको फुल एचडी डिस्प्ले वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए, वो बढ़िया चीज रहेगी आपके लिए। एंड लैपटॉप की जो रैम है ना वो कम से कम 8GB होनी चाहिए, उससे कम वाली लैपटॉप के साथ हमने नहीं जाना। एंड उसकी जो स्टोरेज टाइप है वो SSD होनी चाहिए। वैसे तो 512GB की SSD वाले लैपटॉप भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, कईयों के अंदर हमें 256GB की SSD मिल जाती है। मेक श्योर कि अगर अपने लैपटॉप के अंदर 256GB की SSD मिल रही है ना, उसकी फिर स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जिसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है। इनमें से कई लैपटॉप के अंदर आपको MS Office मिल जाएगा, तो टोटल मैं आपको 6 लैपटॉप बताऊंगा। सभी के सभी लैपटॉप ना स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, गेमिंग आप इनमें से किसी भी लैपटॉप पर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बजट के अंदर हमें गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलते। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है लिनोवो का V15 लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये इस पीरियड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। ये लैपटॉप अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 23,500 रुपीज। प्लास्टिक की बॉडी के साथ ही इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर दिया गया है। बढ़िया प्रोसेसर है, आपके सारे बेसिक काम इजिली कर लेगा, आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क है ना वो सारे लैपटॉप इजिली हैंडल कर लेता है। 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, इसके जो सिनेबेन स्कोर्स है वो आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर लो। अब अपना ये जो लैपटॉप है ये मल्टी टास्किंग बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। 8GB की रैम है, 2933 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 256GB की SSD है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 512GB। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना, ओके। 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले में जाते हैं, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, एक्सटेंडेड डिस्प्ले जो कि हमें इस पीरियड के लैपटॉप के अंदर मिलनी चाहिए। इंटेल के USD ग्राफिक्स के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमें मिल जाता है 3 घंटे तक का, 35 वाट आवर्स की बैटरी है। 2 USB टाइप है, 1 USB टाइप सी इथरनेट पोर्ट मिल जाती है, साथ में HDMI एंड 3.5mm जैक। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। इजिली ये जो लैपटॉप है ना आपका, वो अगले 3-4 साल तक आप इजिली काम कर सकते हो इसके ऊपर। हैवी टास्क नहीं होंगे इस लैपटॉप के ऊपर, बट नॉर्मल आपके सारे काम हो जाते हैं। इसी सेम बजट के अंदर ना आपको दूसरा एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, HP का लैपटॉप है, HP 15S लैपटॉप। ये भी लैपटॉप इस बजट का हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, बट इसका जो प्राइस है ना वो अराउंड 28,000 रुपए है। दोनों लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ एक चीज का फर्क है, दैट इज द स्टोरेज। HP के लैपटॉप के अंदर हमें 512GB की SSD मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शन है, सब कुछ हमें कम्प्लीटली सेम मिल जाता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अगला लैपटॉप आ गया लिनोवो का V15 G4 लैपटॉप। ये भी काफी बढ़िया लैपटॉप है, काफी ज्यादा सेल होता है इस पीरियड के अंदर। 26,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। देखो पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमें इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा था, बट इसके अंदर हमें AMD का प्रोसेसर मिल जाएगा, एथलॉन सिल्वर 7120U 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 2 कोर 2 थ्रेड्स। अब एक चीज है यहाँ पे, जो हमने इससे पहले अभी भी इंटेल का प्रोसेसर देखा ना N4500, ये उसके कंपैरिजन में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है हमें। एंड इसके जो रैम है ना वो भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है, जो कि इस पीरियड के लैपटॉप के अंदर हमें काफी कम देखने को मिलती है। साथ में 512GB की SSD दे रखी है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, AMD के रेडियन 610M ग्राफिक्स मिल जाती है, 1 USB टाइप सी, 2 USB टाइप ए, HDMI 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट केबल, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में। उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा भी हमें दिया गया, तो एक्चुअली ये भी लैपटॉप आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। अगला लैपटॉप आ गया एसर का 114 लैपटॉप। इसका भी प्राइस 26,000 रुपए है, एंड इसके अंदर हमें राइजन 3 प्रोसेसर दिया गया 3250U, एंड ये जो प्रोसेसर है ना ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर भी है, 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला। थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इजीली अपने सारे काम हैंडल कर लेगा। एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट इस लैपटॉप को लेने का कि इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना दोनों चीजें हमें एक्सपेंडेबल मिल जाती है। सबसे पहले 8GB की रैम दे रखी है, DDR4 रैम है, 2666 मेगाहर्ट्ज वाली एक्सपेंडेबल, 32GB तक है, 256GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, AMD के रेडियन ग्राफिक्स, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया, 1 USB टाइप सी, 2 USB टाइप ए, ईथरनेट पोर्ट मिल जाती है, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। अगला लैपटॉप भी लिनोवो का ही है, लिनोवो V15 लैपटॉप। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, एक तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि AMD की सबसे लेटेस्ट सीरीज चल रही है इस टाइम पे। एंड दूसरी बहुत ही बढ़िया चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, MS Office हमें प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, 27,000 रुपए इसका करंट प्राइस है, राइजन 3 प्रोसेसर दिया गया, 7320U 7000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना उन सबके कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी है। 8GB की रैम है, DDR5 रैम है, 5500
100 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की जेन 4 SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल। देखो जेन 4 SSD ना लेटेस्ट है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू जेन 3 SSD। एंड 25-26 हजार के अंदर ना बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप है जिसके अंदर हमें जेन 4 SSD मिल जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो अकेला ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें जेन 4 SSD मिल रही है। एंड इस लैपटॉप के अंदर ना हमें सब कुछ लेटेस्ट दिया गया, प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज, तो ये काफी बढ़िया चीज है। 15.6 इंच की फुल एचडी TN90 के डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ ही हमें MS Office मिल जाएगा। 38 Wh की बैटरी एंड 65 W का अडैप्टर दिया गया। 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर एंड पावर डिलीवरी दोनों को सपोर्ट करती है। एक HDMI, ईथरनेट, हेडफोन का कॉम्बो दिया गया। एंड साथ में हमें मिल जाएगा प्राइवेसी शटर कैमरा। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये टेक्नो का लैपटॉप है, मेगाबुक T1। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी बढ़िया। आपने इस लैपटॉप को तभी कंसीडर करना है अगर आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर है, क्योंकि लैपटॉप के मार्केट के अंदर इसका नया नाम है एंड इसके सर्विस सेंटर थोड़े कम है। तो ये चीज देखने के बाद आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। प्राइस भी कम है, 24,000 के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। एंड दूसरी बढ़िया चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है जो कि है मेटल की बॉडी, जिससे अपनी जो ड्यूरेबिलिटी है ना लैपटॉप की वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। i3 प्रोसेसर दिया गया, 1115G4, 2 Core 4 Threads वाला, 8 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी रैम, 4266 MHz वाली, इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा है। बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है बाकियों के कंपैरिजन में। 512 GB की जेन 3 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 100% sRGB, 350 nits की ब्राइटनेस एंड 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें एक महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल जाएगा। 70 Wh की बैटरी के साथ ही 65 W का टाइप सी अडैप्टर दिया गया। 1 USB 3.1 टाइप ए, 1 USB टाइप सी जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती है, दूसरी USB टाइप सी जो कि फुल फीचर्ड है, उसके अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। 2 USB 3.0 टाइप ए, HDMI एंड 3.5mm जैक। इसके अलावा हमें कार्ड रीडर का भी पोर्ट दिया गया। तो ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। बैकलिट, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ हमें इसके अंदर दिया गया। एंड साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, फीचर्स भी काफी बढ़िया दे रखे हैं इसके अंदर। ये जो फीचर्स है वो हमें 40,000 से 50,000 वाले लैपटॉप्स के अंदर मिल जाते हैं, तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। अगला लैपटॉप है इन्फिनिक्स का X3 स्लिम, 27,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। एंड इस बजट के अंदर आपको दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं मिलने वाला जिसके अंदर हमें i3 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया हो। सिंपल चीज है ये कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, उन सब के कंपैरिजन में ये वाला सबसे बढ़िया है। इस बजट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है ये। मेटल की बॉडी के साथ ही 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD, स्टोरेज की एक्सपेंडेबल है, बट इसके अंदर हमें 14 इंच की डिस्प्ले दे रखी है। तो ये लैपटॉप ना एक्चुअली उनके लिए जिन्हें कॉम्पैक्ट साइज के अंदर लैपटॉप पसंद है। फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 300 nits की ब्राइटनेस के साथ ही 100% sRGB, तो डिस्प्ले भी दी बेस्ट दे रखी है इसके अंदर। इंटेल के USB ग्राफिक्स, 50 Wh की बैटरी के साथ ही 65 W का टाइप सी अडैप्टर मिल जाएगा हमें। 2 USB 3.0 टाइप ए, 2 USB टाइप सी, HDMI, 3.5mm जैक, बैकलिट कीबोर्ड, फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 60% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। तो ये लैपटॉप भी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे भी जरूर कंसीडर कर सकते हो। देखो सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड 25-26 हजार के बजट के अराउंड ना जितने भी सबसे बढ़िया लैपटॉप मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, आपका डिसीजन सही रहेगा, क्योंकि इनके अलावा आपको कोई भी लैपटॉप अच्छा नहीं मिलने वाला मार्केट के अंदर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।